हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जाम 2019 के बारे में, क्या लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए वो आपको पूरी मिल सके। जैसे कि दोस्तों, आप सबको पता है आज ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, सेफ स्कोर क्या रह सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है इसमें, तो पूरा डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, तो एग्ज़ाम का लेवल दोस्तों यहाँ पे इजी लेवल है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो। रीजनिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ईजी है यहाँ पे, और अटैम्प्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे करके आए हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया सर हमारे 85 है, कई स्टूडेंट्स यहाँ पे 90 तक का अटैम्प्ट करके आए, 92, 93, क्योंकि दोस्तों आप सब लोगों को पता है कि जो आपकी एक्यूरेसी होती है वो मैथ्स और रीजनिंग में एकदम एक्यूरेसी होती है, कोई गलत होने के यहाँ पे चांसेस ही नहीं है। इंग्लिश में थोड़ा दो चार ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें थोड़ी सी जो हमारी मिस्टेक वो हो सकती है, लेकिन जो एक्यूरेसी है वो इसमें मेंटेन करनी पड़ती है। अब हम बात करें एग्ज़ाम का लेवल, तो एग्ज़ाम का लेवल ईजी टू मॉडरेट लेवल का था। एग्ज़ाम आपका ईजी लेवल का ही आ रहा है, चाहे वो इंग्लिश से बात करें, इंग्लिश में आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, उससे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिल रहे हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस के भी परसेंटेज के साथ साथ काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले सेफ स्कोर, सेफ अटेम्प्ट क्या रह सकता है ईच सेक्शन में। अगर इंग्लिश की बात करें हम यहाँ पे दोस्तों, तो इंग्लिश में अगर आपको 24 के आसपास अटेम्प्ट है तो आपका एक सेफ अटेम्प्ट माना जा सकता है यहाँ पे। रीजनिंग की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो लगभग 30 प्लस के आसपास आपके यहाँ पे अटेम्प्ट सेफ माना जा सकता है। और बात करें दोस्तों यहाँ पे जो अगला अटेम्प्ट है यानी कि मैथ्स के अंदर, तो मैथ्स के अंदर आपका दोस्तों यहाँ पे 28 प्लस अटेम्प्ट है वो ठीक रह सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है यहाँ पे। तो कट ऑफ यूआर कैंडिडेट्स के लिए अगर बात करें हम यहाँ पे, तो 76 से 82 के आसपास जो आपकी कट ऑफ है यहाँ रह सकती है। ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें यहाँ पे, तो लगभग 74 से 78 के आसपास। एससी कैंडिडेट्स की बात करें तो 66 से 70 के आसपास, और एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो 60 प्लस आपकी जो कट ऑफ है यहाँ रह सकती है। जैसे कि दोस्तों आप सब लोगों को पता है इसमें जो वैकेंसीज़ है वो 2187 वैकेंसीज़ है, तो लगभग दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है 100% इसी के आसपास रहने वाली है जो हम आपके लिए यहाँ पे लेकर आए। क्योंकि दोस्तों ये जो कट ऑफ हम आपके लिए यहाँ पे लेकर आते हैं, जो स्टूडेंट्स अपने साथ हमारे साथ यहाँ पे मार्क्स शेयर करते हैं, उसी के बाद एग्ज़ाम को देखने के बाद एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, पैटर्न क्या है, तो उसी हिसाब से ये कट ऑफ आपके लिए यहाँ पे पूरा एनालिसिस करने के बाद आपके लिए जो कट ऑफ है यहाँ लाई जाती है। तो फिलहाल यही कुछ लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों आप सब लोगों के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।